एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कई दिनों बाद वीडियो लेकर के आया हूं, बिकॉज व्यस्तम क्रम होने के नाते मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास चल रहा है। इसी क्रम में मैं आज नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, और आज का जो मेरा टॉपिक है, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामर। इट मींस प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तथा प्रोग्रामर कौन होते हैं। तो इसका कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में आज प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मेरी क्लासेस हैं, बिगनर्स टू एडवांस हैं। कहने का मतलब, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी ज्ञान नहीं है, ये इन क्लासेस को वो प्रॉपरली देखता रहेगा तो उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। जो आगे आपको कोई भी हाई लेवल लैंग्वेजेस की पढ़ाई करनी है तो उसमें खासा मदद आपको मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस पर बहुत सारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स को ये फ्री क्लासेस प्राप्त हो पाए। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर। कहने का मतलब, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तथा प्रोग्रामर कौन होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, सबसे फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम। हम समझते हैं प्रोग्राम क्या है। बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसमें बहुत बड़ी थ्योरी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप नोट्स भी तैयार कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं। आप देखें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप देखें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है। That can be executed by a computer to perform a specific task, जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। एक बार आप फिर से देख लें, a computer program is a collection of instruction that can be executed by a computer to perform a specific task। कहने का मतलब, एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक संग्रह है, जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और एडिटिंग सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और एडिटिंग सोर्स कोड। कहने का मतलब, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को लिखने या संपादित करने की एक प्रक्रिया है। ये आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस। आप बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इसको दिया है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। आप एक सेंटेंस में कंप्लीट जानकारी आपको हो जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और एडिटिंग सोर्स कोड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को लिखने या संपादित करने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली, अगर हम कंप्यूटर से कोई यूजर कम्युनिकेट करना चाहता है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उसके कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। और जो प्रोग्रामिंग के द्वारा जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, वो सोर्स कोड डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ पाता, बिकॉज कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता। आपको ये मालूम हो, लैंग्वेजेस जो है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस तीन प्रकार की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस, सी प्रोग्रामिंग की अगर आप देखें तो जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, सी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग किया गया, जो सोर्स कोड लिखा गया हुआ होता है, वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता, बिकॉज वो इंग्लिश में होता है सोर्स कोड, एक उच्च स्तरीय कोडिंग होती है उसकी। तो उसके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इज कन्वर्टर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपका कंपाइलर। एक यूजर के द्वारा लिखा गया जो सोर्स कोड, एक प्रोग्रामर के द्वारा जो सोर्स कोड लिखा गया होता है, उसे कंपाइलर क्या करता है, मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देता है।
और उस मशीन भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है, जो मशीन भाषा बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज में होता है, 1010 की कोडिंग में होता है। उसके द्वारा मशीन लैंग्वेज के द्वारा उस सोर्स कोड को कंप्यूटर आसानी से पढ़ता है और उसका एक उचित रिजल्ट बना करके आउटपुट प्रेषित कर दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट रूल इन विच रियल वर्ल्ड मे बी सबमिटेड इन टू द कंप्यूटर। आप ऐसे समझे, एक प्रोग्रामिंग भाषा सेट नियम का विवरण है जिसके द्वारा वास्तविक शब्द कंप्यूटर में लिखा जा सकता है, जमा किया जा सकता है। आप कोई मालूम हो जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, सोर्स कोड को जिस भाषा में लिखता है उसी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं प्रोग्रामर कौन होता है। देख रहे हैं प्रोग्रामर कौन होता है। सीधी सी भाषा में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी भी प्रोग्राम को लिखता है वही प्रोग्रामर होता है। आप देखें, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ यूजुअली रिटन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है और जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम को लिखता है उसी को हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर को कई नामों से जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामर। कुछ लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहा जा सकता है और कभी कभी इन्हें कोडर भी कहा जाता है। कभी कभी कोडर, क्योंकि कोडिंग करते हैं। आप जानते हैं जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें सोर्स कोड लिखा जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको सोर्स कोड को लिखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंस क्या है, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, पीएचपी है, .NET है, इस तरह से कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए हैं, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पीएचपी, .NET एक्सेट्रा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक था, मैंने कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ाया। जो आज का मेरा टॉपिक था, व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामर। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।